नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाधम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर मैं आपको एक करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आया हूं। बड़ी अच्छे से आप इनके नोट्स ज़रूर बना लें और जो भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में लगभग दो दो तीन वीडियो, चार वीडियो आपको, दो तीन वीडियो तो मिल ही जाए मिनिमम, जिससे आपके करंट अफेयर्स रनिंग में आपके नोट्स भी बनते रहें और रनिंग में आप पढ़ते भी रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। देखिए, आपके सामने एक नाम दिख रहा है, एमपी वीरेंद्र कुमार। क्या नाम दिख रहा है? एमपी वीरेंद्र कुमार। ठीक है, एमपी वीरेंद्र कुमार के बारे में क्या है कि 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। इसकी विशेषता क्या है कि एक तो एक बहुत अच्छे लेखक, ठीक है, लेखक थे, स्वाभाविक है लेखक हैं तो पत्रकार भी थे। दूसरा, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है, और 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दूसरा, अब ये इनका संबंध कहाँ से है? वर्ष 1996 में कोझीकोड केरल में आता है ना, कोझीकोड संसदीय क्षेत्र लोकसभा सदस्य चुने गए थे। तो कोझीकोड का संबंध बेटा कहाँ से है? कोझीकोड का संबंध जो है वो केरल से है। कोझीकोड का संबंध जो है वो कहाँ से है? केरल से है। ठीक है, दूसरा, इसमें अगर देखा जाए तो उन्हें वर्ष 2016 में प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार है बेटा, ये मूर्ति देवी पुरस्कार उनके यात्रा वृतांत हेमवथा भूमियल के लिए दिया गया था। वर्ष 2016 में केरल से राज्यपाल राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। दो तरह के फैक्ट मिल गए अपन को, एक तो ये कि बीरेंद्र कुमार कौन थे। तो बीरेंद्र कुमार एक बहुत अच्छे लेखक या पत्रकार और राजनीतिक व्यक्ति थे। अब राजनीतिक व्यक्ति थे तो बोले वीरेंद्र कुमार का भी हाल ही में निधन हुआ है, वे बहुत अच्छे लेखक भी थे और साथ में वो कहीं ना कहीं वो किस राज्य के, है ना, किस राज्य की राज्यसभा के सदस्य थे, तो केरल राज्य की राज्यसभा सदस्य थे, ये अपन को याद रखना है। दूसरा, कोझीकोड, कोझीकोड का संबंध कहाँ से है? केरल से। ठीक है, अब लिखा हुआ है एमपी वीरेंद्र कुमार, तो बोले एमपी वीरेंद्र कुमार को अपन को याद रखना, वीरेंद्र कुमार, तो वीरेंद्र है वो को मार दिया गया है, वो मर गए हैं, है ना। और वे कौन अच्छे थे? वो लेखक थे, तो लेखकों ने, पत्रकारों ने उनके बारे में लिखा है कि एमपी में वीरेंद्र को मार दिया गया है। एक ये बात बहुत ज़्यादा उछाल दी गई है ना, और इस घटना का प्रश्न जो है वो राज्यसभा में उठाया जा रहा है। ठीक है, तो अपन ऐसे याद रखें कि राज्यसभा के सदस्य केरल से, यानी रेल में, केरल रेल के अंदर उसको मार दिया गया, एमपी के वीरेंद्र को मार दिया गया। कहाँ मार दिया गया? रेल में मार दिया गया। ठीक है, तो कोझीकोड केरल से संबंधित है, स्वाभाविक अपन को ये नाम याद रखना है। दूसरा, लेखक, राज्यसभा सदस्य, 83 वर्ष के थे, कोझीकोड संसदीय क्षेत्र से, और दूसरा 2018 30वां उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको मालूम है कहीं ना कहीं मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, दिया गया था। सी के नागराज, नाम सुना होगा बेटा आपने, सी के नागराज, सबसे पहला मूर्ति पुरस्कार दिया गया था सी के नागराज को। मूर्ति देवी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 1983 में, 1983 में मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1983 मूर्ति देवी पुरस्कार सबसे पहले, मतलब जो दिया गया था वो सी के नागराज को दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। इनके नाम के आगे कहीं ना कहीं आप याद रखें, एक तो ये कौन थे, इनका व्यवसाय याद रखें, दूसरा किस क्षेत्र से संबंधित थे, केरल से संबंधित थे, और लिखा हुआ है कि इनको मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था कब? 2016 में। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, और मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं मूर्ति देवी पुरस्कार से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल जो पेपर बनते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं पेपर्स के अंदर, तो उनमें कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट किसी को पुरस्कार मिला हो, है ना, और वो पुरस्कार लेने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी ले ली जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी फील्ड याद रखो। क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन, तीन चार तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कौन थे ये पूछ सकते हैं, किस राज्य से संबंधित है ये पूछ सकते हैं, दूसरा इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, 2016 में दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो उनको, मतलब जो किसके लिए पुरस्कार दिया गया था, तो हेमवथा भूमियल, क्योंकि मलयालम साहित्यकार है तो स्वाभाविक है हेमवथा भूमियम के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विप्रो के नए सीईओ या एमडी बन गए। तो विप्रो के नए सीईओ या एमडी जो बने हैं उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, कौन बने भैया। विप्रो का नाम आपने सुना ही होगा। तो भाई मई 2020 में थियरी डेलापोर्ट, ठीक है,
डेलापोर्ट प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो विप्रो के सीईओ एवं एमडी, ठीक है, कौन बने भैया? थियरी डेलापोर्ट, क्या नाम लिखा हुआ है? थियरी डेलापोर्ट। वह 6 जुलाई 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है, 6 जुलाई 2020 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। और इससे पूर्व वह कैपजेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी भी थे और इस पद पर वह अबिदाली नीमचवाला का स्थान लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका नाम याद रखना है, बस वो कौन था, पहले कौन था, उससे पहले कौन था, सबसे पहले कौन था, उसमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, पर इसको जरूर याद रखें, ठीक है। तो नाम दिख रहा है बेटा आपको, क्या नाम दिख रहा है? थियरी डेलापोर्ट, थियरी डेलापोर्ट, थियरी डेलापोर्ट है, और थियरी डेलापोर्ट से अपन को याद रखना है, ठीक है, थियरी डेलापोर्ट। देखा है, अब इसमें विप्रो, विप्रो थियरी, थियरी से अपन को याद रखेंगे थियरी डेलापोर्ट, ठीक है। डेला से यानी दिला, दिला दिला, ठीक है, क्या दिला बोला? पोर्ट दिला, क्या दिला? पोर्ट दिला, पोर्ट, ठीक है। सोचे एक पॉट है, फ्लावर पॉट है, सोचे फ्लावर पॉट है, ठीक है, फ्लावर पॉट है, इसी से आपने याद करना। और थियरी बोल रही है, थियरी एक लड़की का नाम है, और थियरी बोल रही है डेला पोर्ट दिला, मेरे को पोर्ट दिला, फ्लावर पोर्ट दिला, कुछ भी कर दिला, तो उसका बेप्रो, उसके जो पिताजी हैं, उसके जो बाप हैं, वो रो रहे हैं, बेप्रो बाप रो रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दिलाऊं, और ये दुकानदार से जिद कर रही है कि कुछ भी कर मेरे को दिला, मेरे को पोर्ट फ्लावर पोर्ट दिला, है ना। लेकिन उसके विप्रो यानी उसके बाप है ना, वो रो रहे हैं, ठीक है। तो विप्रो को याद रख लेना, थोड़ा सा कनेक्टिविटी रखोगे तभी तुम उसको आगे जाके पेपर में सही कर पाओगे, है ना। कनेक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है, कुछ ट्रिक वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, बस केवल कनेक्टिविटी, क्योंकि थोड़ा अपन अपना दिमाग वहां पर ठहर जाए थोड़ा सा, चाहे वो किसी शब्द को पकड़ के ठहरे, समझ रहे हो ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं, इस चीज़ का विरोध भी करते हैं, अरे ऐसा कुछ याद होता है क्या, ऐसा कुछ, लेकिन अपन को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसा सोचे सोचने दो, उसका दिमाग है, हम अपने दिमाग का ही काम करें, हम अपने दिमाग का ही यूज़ करें, पर ये पक्की बात है कि पेपर हमें देना है, उनको थोड़ी देना है, ठीक है, पेपर हमें देना है। और जो भी क्वेश्चन आए, हमारी कोशिश ये रहेगी अधिक से अधिक क्वेश्चन हम सही करें। आपका मेमोरी पावर वो देखना चाहते हैं कि आपकी मेमोरी पावर कैसी है, आपको सामान्य ज्ञान क्यों पूछा जाता है पेपर के अंदर, कि आपको कितनी नॉलेज है। अब नॉलेज के लिए नॉर्मली जो व्यक्ति पढ़ता है वो तो है ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के हमें नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी नॉलेज होना चाहिए। अब इतना सारा भंडार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो ऐसी कुछ चीज़ें भी बना के रख लो जो अपने काम में आ जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये कनेक्टिविटी जो बताते हैं, आप उसको बिल्कुल थोड़ा सा सोच के याद कर लो, रुक के याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपका जो पर्सनली जो आपका तरीका हो, खुद का तरीका जो स्कूल टाइम से चला आ रहा है, वो क्या तरीका है कि बस केवल एक शब्द को पढ़ो और उसको 10 बार दोहरा लो, यही होता है ना यार। मैं ये कहता हूँ आप 10 बार मत दोहराओ, आप 2 या 3 बार दोहरा लो और थोड़ा सा सोच लो, जो शब्द बनाए उसको सोच लो, तो आप देखेंगे वो चीज़ आपको अपने आप याद हो जाएगी। क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर दिमाग लगाना ही नहीं है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाना है। तो मेन है, जहां पर दिमाग नहीं लगाना हो वहां मत लगाओ, और जहां लगाना है वहां दिमाग लगाओ। यानी कि अब इतना सारा करंट अफेयर्स में हर दिन आप देखेंगे 10 से 15 फैक्ट मिलते ही हैं, अब वो इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो 1 महीने में कितने हो गए, 2 महीने में कितने हो गए, 6 महीने में कितने हो गए, 1 साल में कितने हो गए, तुम्हारे पास तो भंडार इकट्ठा हो गया। अब वो इतना सारा भंडार इकट्ठा हुआ है, उस भंडार को मैनेज तो करना पड़ेगा बेटा कहीं ना कहीं। हम इतने आइंस्टीन तो है नहीं कि हमें 2 साल का 10 साल का भी याद रहे, हम एक आम इंसान हैं, लेकिन प्रैक्टिस से अभ्यास से सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहे, बस रिवीजन करते रहो थोड़ा बहुत, जिससे आपका दिमाग के अंदर वो चीज़ें बनी रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से, विप्रो के नए सीईओ याद रखेंगे, थियरी डेलापोर्ट को याद रखेंगे, ठीक है, थियरी डेलापोर्ट। और किस कंपनी के सीईओ बने हैं? विप्रो के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए योगेश गौड़, क्या नाम लिखा हुआ है? योगेश गौड़। ये जो योगेश गौड़ हैं, इनके बारे में क्या है भाई, इमेज दिख रही है आपको, 29 मई 2020 को प्रसिद्ध गीतकार एवं लेखक योगेश गौड़ का निधन हो गया, ठीक है। तो योगेश गौड़ को अपन को याद रखना है, योगेश गीतकार थे बहुत अच्छे और लेखक थे, तो योगेश गौड़ को अपन गुड़ से याद करो,
गुड़ से याद कर लो कि वो गुड़ की तरह मीठा गाते थे। कैसा गाते थे? गुड़ की तरह मीठा गाते थे, गुड़ की तरह मीठा गाते थे। बिल्कुल, जब गाते थे तो बड़ी मिठास होती थी उनके गाने में, सुनने में बड़ी मिठास आती थी, गुड़ घोल देते थे वो। तो ऐसे याद रखें, या उनका ऐसा गुण था, योगेश के अंदर गाने का गुण है ना, एक गुण है, गुण गुण है ना, उसके अंदर एक स्किल है, उसके अंदर एक विशेषता है कि वो बहुत अच्छा गाता है। तो योगेश गौड़ को अपन को याद रखना है कि जो योगेश गौड़ है वो बहुत अच्छे गीतकार लेखक थे, और जिनका कहीं ना कहीं 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने फिल्म आनंद वर्ष 1971 के हिट गानों थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए है ना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए, राजेश खन्ना ने बहुत अच्छा अभिनय किया था, बहुत शानदार मूवी थी आनंद है ना। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, ये इतना सुपर हिट गाने उन्होंने तैयार किए थे तो उनको तो याद करना जरूरी है ना। अगर क्वेश्चन करते हैं, योगेश गौड़ का भी हाल ही में निधन हुआ, तो योगेश का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण था कि बहुत अच्छा गाना गाते थे, वो बहुत अच्छे सिंगर थे। तो सिंगर गीतकार लेखक योगेश गौड़ थे, और आप याद रखेंगे ये इन गानों से समझ में आ जाएगा। इनकी जो फिल्म आनंद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फिल्म थी जिसमें इन्होंने गीत गाए हैं। अजीत जोगी, इनकी तो बात ही अलग है। 29 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, बस हो गया काम यहीं पर, क्वेश्चन बन गया कि अजीत जोगी का भी हाल ही में निधन हुआ है, वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। वह 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 के मध्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको मालूम बेटा, छत्तीसगढ़ की स्थापना 9 नवंबर को हुई थी है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 के मध्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। सॉरी, 1 नवंबर 1915, 1915, ठीक है, सही है। 1 नवंबर 36, 9 नवंबर आपका उत्तराखंड, ठीक है, और 15 नवंबर आपका झारखंड। ये सन 2000 में तीन राज्य बने थे, ठीक है। हालांकि इसमें 9 नवंबर लिखा हुआ है जो भी है, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1 नंबर हो सकता है या एक हो, इसको आप क्लियर कर लेना अपने हिसाब से, लेकिन जो मुझे बिल्कुल पक्का क्लियर पता है कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी, ठीक है। वह भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी चयनित हुए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा है, जैसे भारतीय पुलिस सेवा है, यानी बोल सकते हैं आईपीएस ऑफिसर के रूप में भी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भारतीय पुलिस सेवा में या प्रशासनिक सेवा में भी चयनित हुए थे। बहुत इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, तो स्वाभाविक है उनके बारे में, बहुत महान व्यक्ति थे इनके। देखो, उनके बारे में जो विशेष बात है वो ये है कि किस राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। तो इनका नाम भी अपन को याद रखना चाहिए, अजीत जोगी, ठीक है। क्या नाम है? अजीत जोगी है। और अजीत और आज उनकी जीत हो चुकी थी, जैसे ही वो बने तो जीत हो गई, क्योंकि उनमें पुलिस सेवा में भी उन्होंने कहीं ना कहीं चयन हुआ, प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ और उनकी जीत हो गई, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, न्यू डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष बनाए गए 27 मई 2020 को ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। मार्कोस, ट्राइजो, ठीक है, मार्कोस ट्राइजो। इस पद पर वह भारत के भी कामत का स्थान लेंगे, और उनका कार्यकाल 7 जुलाई 2020 से प्रारंभ होगा। हो चुका है, हालांकि 7 जुलाई निकल गई, इसकी स्थापना 14 जुलाई, न्यू डेवलपमेंट ये 14 जुलाई 2017, इसका मुख्यालय कहाँ पर? संघाई, चीन में। तो जो न्यू डेवलप बैंक जो है उसमें ब्राज़ील के मार्कोस, ठीक है, ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को कहीं ना कहीं न्यू डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो, ठीक है। तो मार्कोस को अपन को याद रखना है, मार्कोस को याद रखेंगे, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक मार्कोस ट्राइजो। तो मार्कोस यानी कि नए डेवलपमेंट जो बैंक हैं उनमें मार्क लगा रहे हैं मार्कोस, ठीक है, उनको मार्क लगा रहे हैं कि कौन कौन से नए डेवलपमेंट बैंक हैं,
उनके उन उनका उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मार्कोस यानी मार्कोस में यानी मार्गों में रास्तों में देखते जा रहे हैं कि नए नए डेवलपमेंट बैंक दिखाई दे रहे हैं, नए नए बैंक हैं जो काफ़ी डेवलपमेंट हो गए हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्कोस ट्राइजो, इनका नाम अपन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुजतफा हुसैन, क्या नाम लिखा हुआ है? मुजतफा हुसैन। तो बोले 27 मई 2020 को प्रसिद्ध उर्दू लेखक, वैसे मुजतफा से अपन को समझ में आ रहा है कि उर्दू लेखक ही होंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। हास्य और व्यंगकार, ठीक है, हास्य और व्यंगकार थे, बढ़िया, लोग इनके बारे में पढ़ते थे या इनको सुनते थे तो हास्य उत्पन्न होता था। तो हास्य और व्यंगकार मुजतफा हुसैन का निधन हो गया, 83 वर्ष के थे। उनका जन्म 15 जुलाई 1936 को हैदराबाद में हुआ था, ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है वर्तमान में। उन्हें वर्ष 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दूसरा, उनको उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि भी दी गई थी। उर्दू के मार्क ट्वेन यानी ये अंग्रेजी राइटर हैं, उसमें उनको कंपेयर किया गया कि मार्क उर्दू का मार्क ट्वेन की उपाधि भी उनको दी गई थी। तो स्वाभाविक है अपन याद रखेंगे, बोले मुजतफा हुसैन कौन है, तो जो मुजतफा हुसैन है, मुजतफा हुसैन, तो मुजतफा हुसैन बहुत अच्छे उर्दू लेखक, हास्य और व्यंगकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। इनको पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2007 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। तो अर्थशास्त्री है, ध्यान रखना। विश्व बैंक की बारे में अगर देखा जाए तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, ये जो विश्व बैंक के जो प्रमुख है वो कौन है? डेविड मालपास जो है वो विश्व बैंक के प्रमुख है, ठीक है। देखिए, मई 2020 में कार्मेन रेनहार्ट, बड़ा अच्छा नाम है कार्मेन, ठीक है, विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी, ठीक है, 15 जून 2020 से। उन्हें अर्थशास्त्री में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और एनबीआई के एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको मालूम है एडम स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। इससे पूर्व वह IMF में वरिष्ठ नीति, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें भी निदेशक रह चुकी है। तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो चाहे विश्व बैंक हो, दोनों के मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, दोनों की स्थापना 1945 आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री कौन बनी? कार्मेन रेनहार्ट, ठीक है। कार्मेन का मतलब ये कार में ही घूमती है, विश्व बैंक की अर्थशास्त्री है ना, तो एक कार में ही घूमती है, कार में ही घूमती है, बिल्कुल नीचे बेकार नहीं घूमती, यानी जमीन पर नहीं घूमती, काय में घूमती है, बोले कार में ही दिखती है हमेशा। तो कार्मेन रेनहार्ट अपन को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। रेनहार्ट से अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेनहार्ट इनका जो ब्रेन है बड़ा हार्ट है, ब्रेन और हार्ट इनका बहुत तेज चलता है, ठीक है, बड़ा दिमाग भी तेज चलता है, ठीक है। तो रेनहार्ट यानी कि उनका जो हार्ट है, ब्रेन है हार्ट है, बड़ा मतलब एक्टिव रहता है हमेशा, बहुत अच्छे से काम कर लेती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दिल दिमाग से काम कर लेती हैं, रेनहार्ट, ब्रेन हार्ट, ठीक है। तो कार्मेन को अपन को याद रखना है, विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री जो बनी है उनका नाम क्या है? कार्मेन रेनहार्ट को अपन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष, अब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में, ठीक है। और 1961, ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जो प्रमुख हैं अभी वर्तमान में WHO के प्रमुख कौन है? टेड्रोस
अधनम ग्रेवियस, ट्रिडोस अधनम ग्रेवियस, ठीक है। तो ट्रिडोस अधनम ग्रेवियस है, WHO अपन को याद रखना है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब 22 मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री बेटा कौन है, हर्षवर्धन है। इनका नाम तुमने कई बार सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़े अच्छे से जानकारी दे रहे होंगे कि N95 मास्क का आप उपयोग ना करें, 3 परत वाला कोई नॉर्मली कोई कपड़े का इस्तेमाल करें मुंह पर बांधने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई WHO की रिपोर्ट आती है कुछ भी, तो उसको इंडिकेट किया जाता है, इनके द्वारा बताया जाता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है हर्षवर्धन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन में 34 सदस्य है, उसमें 34 कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कारोबार ग्रहण किया, मतलब वहाँ पर लगभग 34 मेंबर्स होंगे और 34 मेंबर्स के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे बेटा, हर्षवर्धन, ठीक है। इस पद पर उन्होंने जापान के हीरो की नकचीनी का स्थान लिया है। हीरो की नकचीनी क्या का नाम है बताओ। बोर्ड के अध्यक्ष पद का चयन WHO के 6 क्षेत्रीय समूह में से प्रत्येक एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि बोर्ड के अध्यक्ष का पद का जो चयन होता है 6 क्षेत्रीय समूह में से होता है और प्रत्येक एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है, यानी एक वर्ष के लिए तो चलेंगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में भारत में से कौन WHO के अंदर कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो बनाए गए हर्षवर्धन है, उसमें कितने सदस्य होंगे, लगभग 34 सदस्य होंगे। कितने समय के लिए उनको शामिल किया गया है, एक वर्ष के लिए शामिल किया गया है। तो जितने अच्छे से पॉइंट्स आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स याद रख लोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो WHO का उनको कार्यकारी जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए भाई, 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंद राजुलू चिंताला, ठीक है, राजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। और क्या लिखा है, वर्तमान में वह नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, तो स्वाभाविक है अध्यक्ष बनाने। इस पद पर वह डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लेंगे और इसका मुख्यालय बेटा कहाँ पर है, मुंबई। और बेटा नाबार्ड की स्थापना 1982 में, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कृषि, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो भी डोनेट करना होता है पैसा वगैरह, जो भी राशि देनी होती है उसमें कहीं ना कहीं वो अपना एक सहयोग प्रदान करते हैं। तो स्वाभाविक है बेटा ये भी अपन अच्छे से याद रख सकते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब देखें तो नाबार्ड यानी नया वार्ड हो गया, नाबार्ड को अपन क्या बोल देंगे, नया वार्ड, बिल्कुल नया वार्ड है, ठीक है, बिल्कुल नया वार्ड है, नई कॉलोनी है। और उसमें गोविंद राजुलू चिंताला, ठीक है, गोविंद राजू, गोविंद और राजू, ठीक है, दोनों के दोनों चिंताला, चिंताला रहे हैं दोनों, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि नए वार्ड में कैसे विकास होगा, नए वार्ड में मैं कैसे सुविधाएं मिलेंगी, है ना। तो चिंताला लेके आए हैं राजू और गोविंद, गोविंद राजुलू चिंताला, गोविंद और राजू चिंता लेके आए हैं, नए वार्ड में गए हैं रहने के लिए और बड़ी ही चिंता लेके आए हैं, बड़ी चिंता लेके आए कि पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे जल्दी विकास होगा उस क्षेत्र में। अब नया वार्ड है या धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अपन को याद रखना है ये वाला नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थॉमस थाबाने, क्या नाम लगा हुआ, थॉमस थाबाने, ठीक है। अब भाई दिखाओ, 19 मई 2020 को लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो लेसोथे या लेसोथो, लेसोथे वैसे नाम है, लेसोथो इसकी कैपिटल मासेरू और अफ्रीका का ही एक देश है, सब लिखा हुआ है नीचे। संसद के द्वारा लेसोथे के वित्त मंत्री मोएकेसी मजोरो को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। अंतरिम होगा वो अंतरिक्ष नहीं होता, अंतरिम होगा, अंतरिम का मतलब वो टेम्परेरी बना। और लेसोथे दक्षिण अफ्रीका पर्वतीय राज्य जिसकी राजधानी क्या है, मासेरू, लेसोथे मासेरू, इसकी जो करेंसी है बेटा न्यू सॉल, न्यू सॉल जो है वो इसकी करेंसी है, न्यू सॉल यहाँ पर चलती है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए हाँ, तो इसका जो नाम है वो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, थॉमस थाबाने,
किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया? बोले लेसोथो। ठीक है, थॉमस, क्या लिखा हुआ? थॉमस लेसोथो, लेसोथो। ठीक है, तो सोचे अपन, अपना कोई दोस्त है लेसोथो, यानी लेसोथो, सोथो, जब वो सोतो है, जब सोता है तो अपने साथ में, अपने पास में क्या भर के रख लेता है? थॉमस, थॉमस यानी कि थर्मस भर के रख लेता है, थर्मस में पानी भर के रख लेता है। कुछ लोगों की आदत होती है रात में पानी पीते हैं, वो उठ के जग भर के रख लिया, कुछ भी जो भी उनके पास जो बोतल भर के रख ली। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? थॉमस थावाने, थॉमस थावाने का मतलब यह है कि अपने पास में थर्मस रख लेता है और आराम से वो जब सोतो है, जब उठता है तो फिर वो पानी पी लेता है। ठीक है, तो थॉमस थावाने को अपन को याद रखना है। थॉमस थावाने किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है? लेसोथो, लेसोथो के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन सीरीज आ गई, तो आपको इसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य रहे एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया? अब थोड़ा सा आपने अभी पढ़ा है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। उन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था तो 30वां मिला था, तो 30वां मिला था तो कब मिला था, कौन सी ईयर में मिला था? अगर आपको 1983 भी याद है ना तो भी आप जोड़ के पहुंच जाओगे, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। अगर 30वां इंडिकेट होता है तो 1983 काम में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो पुरस्कार है, ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार 83 में शुरू हुआ था। हाँ जी, तो बेटा आपका जो आंसर होगा वो होगा 2016। ठीक है, मई 2020 में कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड का नया सीईओ बनाया गया है? तो जल्दी से बताएं, विप्रो है, बाप रो रहे थे, और बाप रो रहे थे, आप ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन आए नहीं है ना, थियरी डेलापोर्ट, अबिदाली नीमच बाला, दीपक पारिक और एक और है बेटा मोहन सिंह, इन चारों में से कौन होगा? तो विप्रो की मैंने ट्रिक बताई थी, उनका बाप रो रहा था, विप्रो, वैसे ऐसे बोलते नहीं कि पिताजी को बाप बोले, है ना, लेकिन अब विप्रो शब्द ही ऐसा है तो अपन याद कर लेते हैं। थियरी डेलापोर्ट यानी कि वो जो उसकी बेटी थी थियरी, क्या बोल रही थी? थियरी बोला डेलापोर्ट, दिला दिला मेरे को फ्लावर पोर्ट, दिला कुछ भी कर मेरे को दिला, लेकिन बाप रो रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब था ना इसलिए। तो थियरी डेलापोर्ट इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 29 मई 2020 को योगेश गौड़ का निधन हो गया भाई। योगेश गौड़ है और गुड़ की तरह मिठास घोल देते थे जब वो चित्रकारी करते थे, जब वो इतिहासकार करते थे, इतिहास लिखते थे या गीत गाते थे, गीत गाते थे, ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा गीतकार। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो देखो आपके सामने आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई 29 मई 2020 को किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया? तो भैया पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान और चौथा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़। बस आपको आंसर देना है भैया, आंसर क्या होगा कि भाई वो झारखंड है कि मध्य प्रदेश है, तो स्वाभाविक है जो राज्य होगा वो कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। 27 मई 2000 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है? के वी कामत है, अनिल किशोरी है, मार्को स्ट्राइजो है, सिमाओ टुकारजुक है। तो स्वाभाविक है आपको याद होना चाहिए कि भैया न्यू डेवलपमेंट बैंक जो भी हैं उन सब बैंकों के क्षेत्र में मार्क लगाए जा रहे हैं, मार्कोस, क्या लगा रहे हैं? मार्कोस। ठीक है, तो मार्कोस को अपन कहना मार्कोस ट्रॉइजो। 27 मई 2020 को मुस्तफा हुसैन का निधन हो गया। चित्रकार थे, साहित्यकार थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे, बहुत अच्छा फैक्ट है। ठीक है, तो मुस्तफा हुसैन के बारे में क्या बात करें, एक तो उर्दू साहित्यकार थे, दूसरे हास्य व्यंग कलाकार, मतलब हास्य व्यंग को उत्पन्न करने वाले लेख लिखते थे, तो स्वभाविक के चित्रकार, साहित्यकार, अभिनेता या पत्रकार। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होगा साहित्यकार, और साहित्यकार में भी कहीं ना कहीं वो उर्दू साहित्यकार के रूप में। ठीक है, देखिए मई 2020 को विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त की गई है, तो विश्व बैंक की जो नई अर्थशास्त्री नियुक्त कर दी गई है उनका नाम आपको बता देना है जल्दी से। तो चार ऑप्शन है बेटा, कार्मेन रेनहार्ड, गीता गोपीनाथ, अरुंधति भट्टाचार्य और शिखा शर्मा, चार नाम दिए गए, चारों नाम बहुत इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है, अर्थशास्त्र से ही संबंधित है चारों। तो भैया अब
विश्व बैंक की अर्थशास्त्री बनी है तो पैदल तो घूमेंगी नहीं, काय में घूमेंगी? बोले कार में घूमेंगी। तो कार में घूमेंगी तो आपको चार ऑप्शन में कार दिख ही रही है, कार दिख रही है तो कार, मैन, रैन, हार्ट। अंग्रेजों के नाम होते हैं अटपटे, बनाना पड़ता है इनको चटपटे, तभी जे याद हो पाते हैं ना, वरना वो दिमाग में बिल्कुल परेशान कर देते हैं हमें। नेक्स्ट, 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो देखिए 22 मई 2020 है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यभारी के रूप में डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। क्या नाम लिखा है? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन है, डॉक्टर हिरोकी नकटानी है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। तो बेटा आपको पता है कि ये जो कार्यकारी सदस्य होंगे इसमें 34 मेंबर्स होंगे, 34 सदस्य होंगे, और इसमें कहीं ना कहीं राउंड फिगर में एक सर्किल ऑर्डर में लगभग 6 क्षेत्रों में से चुना जाता है, 1 साल के लिए चुना जाता है। देखो डिटेल पढ़ने से ही आप केवल ओटी अकेला करोगे ना, बस सी एस का आंसर क्या है, तो आप अपना ज्ञान नहीं बढ़ा पाओगे। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो आप जितना हो सके डिटेल को जरूर पढ़ें। हम एक फैक्ट के कहीं ना कहीं 2-4 फैक्ट इसलिए पढ़ते हैं कि उसके अंदर भी जाना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि हमने जल्दी से कोई भी बुक ले ली, उसके ओटी सॉल्व कर लिए और देख लिए। बेटा ओटी सॉल्व तो तब करोगे जब तुम्हें नॉलेज, और जब नॉलेज होगी ना तो ओटी तो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बस प्रीवियस पेपर वगैरह देखना जरूरी रहता है कि अपन को पता रहे इस टाइप के क्वेश्चन, और हम अपनी स्किल को चेक कर सकें, अपने अपने लेवल को चेक कर सकें कि हमें कितना कुछ आ रहा है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन को करते हैं, बस बाकी का ये है कि बस पढ़ा होना चाहिए आपका, अच्छे से पढ़ा हो। डॉक्टर हर्षवर्धन, देखिए 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया? गोविंद राजुलू चिंताला, हर्षवर्धन वनबाला, राहुल सचन, उषा सिंह। चूंकि ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिखा है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नावार्ड, और नावार्ड के अंदर गोविंद और राजू दोनों चिंता लेके आ गए थे, चिंताला। तो क्या नाम होगा उसका? गोविंद राजुलू चिंताला, ये याद रखें, ठीक है। देखिए 19 मई 2020 को थॉमस थावने ने थे मतलब किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो पहला ऑप्शन है बेटा मोजाम्बिक, दूसरा है नौरू, तीसरा है लिसोथो, तीसरा है चौथा है इथोपिया, है ना। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापूतो, नौरू की कैपिटल है यारेन, लिसोथो का कैपिटल है मासेरू, अपन ने पढ़ी है, और इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। तो आपको बताना बेटा थॉमस थावा ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, तो जल्दी से बताएं। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि थॉमस है तो थर्मस है, थर्मस लेके जब सोतो है हमारा दोस्त, जब सोतो है ले सोतो, तो थर्मस लेके ही सोता है, ठीक है। तो वही देख लीजिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ले सोतो। तो ये 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन दे दिए और वो 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो आपको 10 क्वेश्चन की नॉलेज नहीं मिली। आपको अगर सही से आप कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं और डिटेल में चीज़ें देख रहे हैं, तो लगभग मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप इसमें से भी क्वेश्चन निकालोगे जो पूरा आपकी जो वीडियो है इसमें, मिनिमम आप 25-30 क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हो बना के, है ना। ये और खुद पढ़ते हुए भी क्वेश्चन बनाया करो, ये भी तो पूछ सकता है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो बस अपने आप आपके सामने फैक्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो भाई आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको बड़े इंटरेस्टिंग वाली वीडियो मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे फैक्ट आप चाहते हो वैसे फैक्ट भी मिले, और जैसे नहीं चाहते वो ज़्यादा मिले, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि जब हमने सोच नहीं रखा होता है उस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। पर हम कहीं ना कहीं प्रत्येक पेपर के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको रीड करते रहते हैं और देखते रहते हैं, उस पर नज़र रखती है हमारे बिल्कुल कि भैया कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। तो बस उस पैटर्न पर हमें चलना होता है, ठीक है। बाकी का उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पर बेटा इसको शेयर जरूर कर देना, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। ये बार बार हमें ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि केवल मतलब के तौर पर आपने वीडियो देखा और निकल गए बाहर, तो ऐसा मत करो यार, थोड़ा बहुत दक्षिणा भी दे दिया करो गुरु को अपने, है ना। और दक्षिणा के रूप में बस एक लाइक में बनता है, दूसरा शेयर बनता है कि आप जिस ग्रुप में जुड़े हो उधर छोड़ दो उसको, है ना, या फेसबुक वगैरह पर कर दो यार शेयर कर दो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़े, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।